हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स विद ब्रोस। तो अभी अभी बहुत अच्छे जो पिछले हफ्ते में ट्रांसफर रूमर्स आए और कुछ तो ऑफिशियल भी हो गए, तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, इन वीडियोस के बारे में बताऊंगा। और अगर आप स्पोर्ट्स विद ब्रोस पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ट्रांसफर न्यूजेस के लिए और भी जो बाकी स्पोर्ट्स के न्यूजेस आती है, इसलिए आप स्पोर्ट्स विद ब्रोस को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले ट्रांसफर न्यूज जो अभी अभी ऑफिशियल हुआ है वो है रफीनिया टू बार्सिलोना, डन डील हो चुकी है। अभी उनका मेडिकल टेस्ट होने का बच्चा है, मगर वो उसका ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे और रफीनिया बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छा एडर है। स्टार्टिंग में वो बार्सिलोना ही आना चाहते थे, मगर फिर लीड्स उनको कॉन्ट्रैक्ट जो बार्सिलोना दे रही थी वो लीड्स को पसंद नहीं आ रहा था, तो रहे चेल्सी के साथ। जो चेल्सी है उनके साथ लीड्स ने पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिए थे, डील डन हो चुकी थी, मगर जो रफीनिया थे उनका बार्सिलोना ड्रीम क्लब है तो ड्रीम बार्सिलोना के लिए खेलना चाहते थे। तो लीड्स को बोला था कि आप थोड़ा रुकिए, बार्सिलोना का बेटर ऑफर आने दीजिए, अगर वो नहीं आता तो फिर मैं चेल्सी चले जाऊंगा। मगर फिर फाइनली जो बार्सिलोना को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी उसके ओवरकम करके उन्होंने रफीनिया के लिए अच्छा ऑफर किया और लीड्स ने वो मान लिया है। तो अब रफीनिया टू बार्सिलोना डन हो चुका है और आई थिंक काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि रफीनिया भी सिर्फ 25 ईयर्स के और 25 से 30 प्लेयर का प्राइम रहता है। अगर आप जितने भी प्लेयर देख लो, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं मगर मोस्टली प्लेयर्स का ये प्राइम रहता है। तो बार्सिलोना अपने पांच रफीनिया अपने पांच मेन ईयर्स में बार्सिलोना को सब करेंगे। 2027 तक का जून तक का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा रफीनिया का बार्सिलोना के साथ। और अभी फिलहाल जो हमारे पास अटैक है वो है रफीनिया जो हो चुका ऑफिशियल, अंशु फाटी और फिलहाल ओबामेयांग। मगर अभी बार्सिलोना एक और प्लेयर के साथ जो आज का हमारा सेकेंड ट्रांसफर न्यूज़ है वो हो रही है, लेवेंडोस्की के साथ देंगे। तो काफ़ी टाइम से हो रहा था, मगर जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो बायर्न, क्योंकि अभी लेवेंडोस्की अभी भी उनका बायर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ है, ओवर नहीं हुआ है और वो अगले साल ओवर होगा बायर्न के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो बायर्न उनको बेचना नहीं चाह रही थी, मगर फिर जो लेवेंडोस्की ने इतना बड़ा हंगामा क्रिएट किया बायर्न के अगेंस्ट, जो इतना उलट सुलट बोला, तो उसके कारण बायर्न वालों ने गुस्से में आके उनका डील अग्री नहीं कर रहे थे। जो डील 35 to 40 million से स्टार्ट हुई थी, अब वो जाके बायर्न वाले लेवेंडोस्की को 50 million प्लस कुछ एडवांस रहेंगे उस पर बेच रहे हैं बार्सिलोना को। और ये डील कुछ एक हफ्ते में, आई थिंक एक हफ्ता तो ज़्यादा बोल दिया, 3-4 दिनों में यर्वी को उसका भी हो ही जाएगा और ये 3+1 year की डील रहेगी, मतलब 3 साल लेवेंडोस्की बार्सिलोना को सर्व करेंगे। और आई थिंक ये काफ़ी अच्छी डील है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा स्ट्राइकर नहीं था। ओबामेयांग है, मगर ओबामेयांग अगर चल गए तो चल गए, देख दो फिर वो भी ऐसे ठंडे रहते हैं। फिर मेम्फिस डिपाय, मगर अभी न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि मेम्फिस डिपाय को बार्सिलोना सेल करना चाहती है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। तो लेवेंडोस्की हमारे लिए अच्छे स्ट्राइकर रहेंगे। और अगर आपको ये पता ही होगा कि पिछले तीन साल थे उसमें लेवेंडोस्की क्या गोल स्कोरिंग फॉर्म में थे, तो वो होपफुली बार्सिलोना से भी आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अब हमारे मैं आपको बार्सिलोना के जो फ्रंट थ्री जो फिलहाल लग रहे हैं उनके नाम बता दूँ। अंशु फाटी जो बार्सिलोना के स्टार्टिंग से, मतलब काफ़ी उन्होंने अभी तक बार्सिलोना के अच्छा परफॉर्म किया, और हम उनको मेस्सी से कंपेयर करते हैं, उनको बार्सिलोना ने नंबर 10 दिया वो है। फिर अभी लेवेंडोस्की आ रहे हैं एज अ स्ट्राइकर, काफ़ी अच्छी साइनिंग है, बहुत अच्छी साइनिंग है। और रफीनिया ये हमारे फ्रंट थ्री रहेंगे, मतलब MSN से तो नहीं मगर वैसे ही टाइप का कुछ हमारा फ्रंट थ्री रहेगा। और ये हमारा MSN जाने के बाद आई थिंक अभी तक का बेस्ट फ्रंट थ्री रहेगा, मेस्सी सुआरेस नेमार के बाद का काफ़ी अच्छी। और फिर अभी एक और न्यूज़ आ रही है बार्सिलोना से रिलेटेड कि उस्मान डिम्बेले ने अपना फाइनली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है मगर ये भी जल्द ऑफिशियल हो जाएगा बार्सिलोना की तरफ से। उस्मान डिम्बेले, अगर आपको पता होगा कि इंटर ट्रांसफर विंडो जो होती है फुटबॉल में, उसमें बार्सिलोना उनको बेचना चाहते थे क्योंकि उनके वेजेस बहुत ज़्यादा ही हाई थे, उसके कारण बार्सिलोना कोई प्लेयर रजिस्टर नहीं कर पा रही थी तो उनको बेचना चाहते थे, मगर कोई क्लब उसको उस समय खरीदना नहीं चाहता था क्योंकि वो समर में फ्री हो ही रहते तो क्लब उनके ऊपर पैसा क्यों वेस्ट करे। मगर फिर बार्सिलोना के जो ओनर्स थे वो उससे बाहर जोड़ना चाहते थे कि डिम्बेले को क्लब से बाहर निकालना चाहते थे, मगर जो जावी का डिम्बेले के ऊपर भरोसा है, जो जावी को डिम्बेले के ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए बार्सिलोना उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रही है। और अब डिम्बेले जो उनको पहले वेजेस दी जाती थी उससे बहुत कम वेजेस में बार्सिलोना के लिए रुक रहे, क्योंकि उनको बाकी कोई क्लब से ऑफर नहीं आ रहे थे। और अब बार्सिलोना ने इस टाइम ऐसा किया, अगर रुकना है तो हमारे शर्त पर रुकना है, नहीं तो नहीं रुकना है। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया बार्सिलोना के लिए कि डिम्बेले जैसा प्लेयर हमारे रुक रहा है। और अब बार्सिलोना के आपको मैं सब्स्टिट्यूट बताता हूँ फ्रंट लाइन में, फरान टोरेस, मेम्फिस डिपाय रहेगा उनके पास और उस्मान डिम्बेले रहेगा, आई थिंक ये सब्स्टिट्यूट रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हमने कैसी और क्रिश्चियन से तो ऑलरेडी साइकिल लिया, और अभी हमारा एस्पिलिक्वेटा से भी लिंक आ रहा है, मगर उसके लिए चेल्सी पैसा मांग रही है तो मुश्किल हो रहा, मगर हो जाएगा आई थिंक सो वो आगे चल के। और अलोंसो से भी हमारे वो हो रहा था, मगर पता नहीं वो डील हो पाएगी क्या, एस्पिलिक्वेटा के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, दोनों चेल्सी के प्लेयर हैं।
एस्पिलिक्वेटा और अलोंसो। और अब जो अब बार्सिलोना से मूव करते हैं यूवेंटस की तरफ, तो यूवेंटस का जो इस सीजन का मतलब अभी तक का मेरे को बेस्ट ट्रांसफर लगा हुआ था एंगोलो डी बरिया। अगर डी बरिया आपको पता हो रियाल से भी खेल चुके हैं, पीएसजी की तरफ से भी खेल चुके हैं, और उनका काफ़ी अच्छा करियर रहा, काफ़ी अंडररेटेड करियर है उनका, मगर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे प्लेयर है वो। उन्होंने अभी जो अर्जेंटीना के लिए किया, फिर जो उनका पीएसजी के लिए करियर रहा, अब वो ओवरशैड हो गए एम्बाप्पे नेमार से, और फिलहाल जो ये सीजन बेस्ट किया है तो काफ़ी अच्छे राइट विंगर है। और आई थिंक यूवेंटस उनका अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलो डिबाला जो उनके लिए इतने अच्छे प्लेयर रहे थे राइट विंग पे, अब उनका रिप्लेसमेंट डी बरिया उन्होंने लाया है। फिर जो अगला ट्रांसफर हमारा ये होगा वो होगा यूवेंटस का पॉल पोग्बा। अगर आपको पता ही होगा पॉल पोग्बा पहले भी यूवेंटस की तरफ से खेल चुके हैं, फिर वो आई थिंक 100 मिलियन में मैन यूनाइटेड गए थे, जो इतना अच्छा ट्रांसफर नहीं हो पाया मैन यूनाइटेड के लिए, और फैंस उनको काफ़ी हेट भी करते थे। जैसा उनका परफॉर्मेंस रहता था कभी अपना 100% नहीं दे पाते थे पूरे सीजन में, वो एक आधे मैच में अपना 100% दे देते दे थे। और आपको पता ही होगा पॉल पोग्बा कितने, आप लोगों को पता ही होगा पॉल पोग्बा कितने टैलेंटेड प्लेयर है, वो बहुत अच्छे मिडफील्डर है। अगर वो जिस दिन अपने टैलेंट पर उतर गए आई थिंक वो वर्ल्ड के बेस्ट मिडफील्डर में से एक हो जाएंगे, तो यूवेंटस को वो भी काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आपको पता हो कि यूवेंटस के इस बार काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स छोड़ के चले गए, चले रही पॉलो डिबाला, मगर उनकी ये जो सीजन की टीम बन रही है जो उन्होंने ट्रांसफर्स किए थे काफ़ी अच्छी टीम बन रही है, क्योंकि उन्होंने लावोविच को विंटर ट्रांसफर विंडो में साइन कर चुका था। अब उनके पास डी बरिया है, पॉल पोग्बा है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर उनके पास अभी है, तो आई थिंक यूवेंटस की टीम काफ़ी अंडररेटेड है, मगर वो बहुत अच्छा कम्पीट करेगी सारी में, तो आई थिंक वो टाइटल कंटेंडर्स है फिलहाल, और चैंपियंस लीग में भी अच्छा कम्पीट करेगी। और जो अगला हमारा ट्रांसफर है वो है कोलीबाली का। कोलीबाली आपको पता ही होगा डिफेंडर है, काफ़ी अच्छे डिफेंडर रह चुके हैं, लोग तो उनको टॉप 2 डिफेंडर्स में मानते हैं इस पिछले 5 साल में, और लोग उसको सर्जियो रैमोस से आगे तो नहीं रखते हैं, हाँ मगर पिछले 2 साल में लोग उसको सर्जियो रैमोस से आगे रखते हैं। और जब वो चेल्सी से उनका रूबर आ रहा है, पहले कोलीबाली जो आ रहे थे वो बार्सिलोना आ रहे थे, मगर फिर बार्सिलोना कुछ वेजेस के चक्कर में, उनके पैसों के चक्कर में उनको साइड नहीं कर पाई, क्योंकि कोलीबाली काफ़ी एक्सपेंसिव प्लेयर है, मगर अब चेल्सी लग रहा है उनको साइड करने की, ऑलमोस्ट डील हो चुकी है उनके बीच में, बस थोड़े से जो फाइनल रहता ही है वो होने का बचा है, फाइनल अग्रीमेंट जो प्लेयरों के बीच होता है प्लेयर और क्लब के बीच में। और कोलीबाली काफ़ी अच्छे एडिशन हो गए चेल्सी के लिए, क्योंकि चेल्सी के पास ये चले गए थे, उनके पास से क्रिश्चियनसन चले गए थे, एस्पिलिक्वेटा भी शायद तक जा रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, और अलोंसो भी, तो कोलीबाली उनके लिए काफ़ी अच्छा एडिशन रहेगा, क्योंकि वो और थियागो सिल्वा काफ़ी क्रूशियल रहेगा डिफेंस में, क्योंकि वो स्टे बैक करते हैं आगे नहीं जाते। और जैसे आपको पता होगा चेल्सी का न्यू ओनर आया है, तो उनके इंटेंट तो काफ़ी अच्छे थे, चेल्सी हर ऑलमोस्ट डेलाइट के पीछे गए वो, और काफ़ी सारे पिक्चर्स के प्लेयर्स के पीछे गए, तो उनका न्यू ओनर का इंटेंट तो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने अभी तक एक प्लेयर साइन कर लिया रहीम स्टर्लिंग, जिनका मेडिकल भी हो चुका है, और आज उनका ऑफिशियली अनाउंस भी हो जाएगा रहीम स्टर्लिंग का, वो भी काफ़ी अच्छा एडिशन करके, और प्लस अगर उसमें कोलीबाली जड़ जाते हैं तो काफ़ी अच्छी नए ओनर के लिए तो काफ़ी अच्छी ट्रांसफर विंडो होगी। और जो एक आखिरी ट्रांसफर मैं बोलना चाहूँगा वो था जूस कुंडे का, जो पहले सेविया नहीं मान रही थी बार्सिलोना को देने के लिए, मगर अब बार्सिलोना शायद जूस कुंडे तो ऑलरेडी रेडी थे बार्सिलोना आने के लिए, मगर अब सेविया भी मान गए, क्योंकि उन्होंने बार्सिलोना ने उनको एक प्लेयर भी ऑफर किया है जो मोस्टली मेम्फिस डिपाय हो गए, तो काफ़ी अच्छा है, जूस कुंडे भी काफ़ी अच्छे प्लेयर रहेंगे बार्सिलोना के लिए। और ये सीजन आए थे बार्सिलोना की बहुत अच्छी टीम है, वो यूएफा के लिए भी कम्पीट करेंगे, वो ट्राइबल के लिए कम्पीट करेंगे, लीगा तो है ही उनके लिए पास, क्योंकि ललिका में आप लोगों को पता ही होगा 3 टीमें रहती है मोस्टली, तो 2 ही रहती है रियाल और एफसी बार्सिलोना। और अगर बार्सिलोना ने जो सीजन ये ट्रांसफर साइनिंग की है आई थिंक उनकी टीम काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और जूस कुंडे की भी साइनिंग आई थिंक 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ऑफिशियल हो ही जाएगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा मगर हो जाएगी। और मेम्फिस डिपाय का जैसे आपने पहले मैंने आपको बताया, तो अब जो बार्सिलोना अब सबको पता ही होगा कि यूएसए गई है जो उनके प्री सीजन मैचेज है, तो उसमें जो भी मेम्फिस डिपाय का जो उनके साथ मतलब जो उन्होंने फोटोशूट्स वगैरह करवाई थी वो उन्होंने उसको हटाने कह दिया बार्सिलोना ने, क्योंकि आई थिंक वो मेम्फिस डिपाय को सेल करना चाहते हैं, वो टॉटनम जा रहे हैं मेम्फिस डिपाय टॉटनम के लिए, वो मेम्फिस डिपाय के लिए उन्होंने टॉटनम ने उनको 20 मिलियन ऑफर किए है, और प्लस इन्होंने क्या बोलते हैं सविया भी चाहते हैं कि मेम्फिस डिपाय उनके पास आ जाए, जूस कुंडे प्लस जूस कुंडे की जगह प्लस थोड़ा पैसा, और मेम्फिस डिपाय सविया उनसे भाग रही है। तो यही थे अभी फिलहाल 1 हफ्ते के जो ट्रांसफर रूमर्स आए थे, काफ़ी बड़े बड़े थे, और इसी के साथ यही अपडेट थी। आप प्लीज़ स्पोर्ट्स विद ब्रोस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।